खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से तबाही, बाढ़ से दर्जनों घर गाड़ियां क्षतिग्रस्त। रामपुर में 18 परिवार को बाढ़ ने उजाड़ दिया है। रेस्क्यू टीम मलबे में जिंदगी तलाश रही है, रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से रामपुर के चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। बाढ़ के साथ आए मलबे और पत्थरों से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। इन गाड़ियों और घरों की स्थिति को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। रामपुर में कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में जुटी है। जिनके परिवार के सदस्य पानी में बह गए हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम रस्सियों के सहारे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। और हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में एक साथ 6 स्थानों पर बादल फटने से भारी तबाही मची। पूरा इलाका आज मरघट में तब्दील हो चुका है। पहले जो गांव था वो इस प्रकार का गांव था, ये वाला गांव था, फिर आज आप देख लो ये हालात है। शिमला के समेज गांव के ग्रामीणों द्वारा मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई ये 2 तस्वीरें बता रही है कि कुदरत ने इस गाँव में कितनी तबाही मचाई है। बादल फटने से इस गांव में भारी तबाही मची है। गांव में कुल 25 घर थे, उनमें से ज्यादातर घर पानी में बह गए और जो बच गए वो अब रहने लायक नहीं है। सैलाब में एक स्कूल, डिस्पेंसरी, बिजली प्रोजेक्ट और 2 ट्रांसफार्मर भी बह गए। और समेज गांव में बाढ़ में बहे लोगों में 22 स्थानीय, 4 प्रवासी और 7 प्रोजेक्ट कर्मी शामिल है। TV9 संवाददाता ने पीड़ितों से बातचीत की, देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ 2 परिवार हैं जिनका जो मकान है वो पानी के साथ बहा है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कुलविंद्रा। आप रात का वाकया बताएं कि रात क्या क्या हुआ था जब बादल फटने के बाद। सर जब 12 बजे बादल फट गए ना, तब खड बढ़ गई, तो हम उठे कमरे रूम से बेड से, तो जैसे ही मान लो हम दरवाजे पर पहुंचे तो बाढ़ यहाँ हॉस्पिटल के साथ पहुंच गई थी। हमारा टोटल लॉस है, हमारे पास कुछ नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। गौशाला गए, मकान गए, खत्म हो गया सारा। और शिमला के समेज गांव में बादल फटने की घटना के बाद 36 लोग लापता हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी। जो ये तबाही जहाँ से हमने आपको तस्वीरों में दिखाई है कि किस तरीके के साथ ये समेज गांव पानी के साथ ही बह चुका है और 36 लोग लापता हैं। लोग परेशान हैं कि उनके जो जानकार थे, रिश्तेदार थे, उनके गांव वाले थे, कि उनकी अभी लाशें भी उनको नहीं नसीब हो रही हैं। और पानी इतना ज़्यादा तेज़ था कि यहाँ पे अगर इतनी चट्टानें यहाँ तक उस दूसरी जगह से खिसक कर दूसरी जगह आ सकती हैं तो लाशों का क्या बना होगा। और हिमाचल के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बादल फटने के बाद ये चंबा के चुराह इलाके की तस्वीर है। इस घर की तस्वीर को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ से आए पानी से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। घर का एक हिस्सा पानी के साथ बह चुका है, बाकी मकान की दीवारें टूट गई है, कई गाड़ियां डूब गई। रेस्क्यू की टीम पहाड़ से आए मलबे को हटाने में जुटी है। जेसीबी से मलबा हटाकर कारों को बाहर निकाला जा रहा है। बादल फटने की वजह से चंबा तीसा मार्ग भी बंद हो गया है। प्रशासन की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी है।